लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पलटने से बची अमरनाथ एक्सप्रेस, स्लीपर से टकराया इंजन। रविवार दोपहर करीब 11:50 बजे जम्मू त्री गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस बरेली की ओर आ रही थी। सीबी हमनज में कलेक्टर बगंज रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर मरम्मत कार्य चल रहा था। रेल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही से अमरनाथ एक्सप्रेस पलटने से बाल बाल बची। कर्मचारियों ने ट्रैक पर स्लीपर रख दिया था, जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया। लोको पायलट राम रतन की होशियारी से बड़ा हादसा होने से बच गया। कलेक्टर बगंज रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा रविवार दोपहर करीब 11:50 बजे जम्मू त्री गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस बरेली की ओर आ रही थी। सीबी हमनज में कलेक्टर बगंज रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर मरम्मत कार्य चल रहा था। कर्मचारियों ने एक स्लीपर ट्रैक पर ही छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने बिना किसी जानकारी के ट्रेन को सिग्नल दे दिया। गाड़ी की रफ्तार करीब 60-70 किमी प्रति घंटा के आसपास होगी। इसके बाद इंजन में स्लीपर फंस गया, जिससे ट्रेन पलटते पलटते बची। ट्रेन करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर रुक सकी। लोको पायलट ने किसी तरह गाड़ी को रोक लिया, लेकिन यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अफसरों की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर कई दिनों से काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों रेल कर्मी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ साथ वहां पर रेल विभाग के इंजीनियर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ट्रेन पलटने से बाल बाल बची। स्लीपर से टकराने से इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। लापरवाही की वजह से हजारों यात्रियों की जान पर बन आई। रेलवे के अफसरों ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। इस मामले में स्टेशन मास्टर, रेल पथ निरीक्षक, इंजीनियर समेत कई कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। गाड़ी रुकने के बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिस पर रेलवे में खलबली मच गई। ट्रेन को पीछे हटाकर स्लीपर को बाहर निकाला गया। करीब 2.5 घंटे तक अमरनाथ एक्सप्रेस वहीं खड़ी रही। पीछे से आ रही सियालदह एक्सप्रेस को भी रोका गया। वहीं इस घटना के बाद DRM मुरादाबाद ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।